तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक यूनिक सा वीडियो लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में अपने बाइक के बैकलाइट में मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह की स्ट्रिप लाइट ली है। ये सिंगल कलर स्ट्रिप लाइट है और ये रेड कलर का है। इस पैकेट के अंदर हमें इस तरह की स्ट्रिप लाइट मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप जैसा चाहे इसे उस जैन से मोड़ सकते हैं और ये दिखने में काफ़ी सुंदर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह की दो स्ट्रिप लाइट हमें पैकेट के अंदर मिलेगी और इसके साथ ही हमें कुछ क्लेम मिलेंगे जिसकी हेल्प से हम इसे अपने बाइक में फिक्स कर सके। फिलहाल हमें इस क्लेम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बैक साइड में डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छे से फिक्स हो सके। तो अब मैं आपको इसकी लाइट दिखाता हूँ। इसमें जो ये रेड और वाइट में हल्की सी पट्टी है ये पॉजिटिव है और ये जो पूरी वाइट कलर की पट्टी है ये नेगेटिव है। आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है और रात में जब इसे जलाएंगे अपनी बाइक पे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे मैं बाइक पे अपने फिट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसे कैसे फिट करना है। इस लाइट को मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ लगाऊंगा जिससे बैक से इसकी लाइट काफ़ी अच्छी नज़र आए और साथ ही में जो इस जब इग्निशन ऑन करने पे जो यहाँ हमारी लाइट जलती है उसे कनेक्शन में इसके साथ कर दूंगा। तो बस इग्निशन ऑन करने से इसमें लाइट जलेगी और यहाँ जब ब्रेक मारेंगे तभी यहाँ लाइट जलेगी, वरना यहाँ लाइट नहीं जलेगी। तो चलिए मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। और इस वायर को इस जगह से हम अंदर भेज देंगे ताकि इसका कनेक्शन अंदर हो सके। और इस वायर को मैंने यहाँ से अंदर ले लिया है और इसे मैं बैकलाइट पे जोड़ दूंगा। इस वायर का कनेक्शन करने के लिए आपको इस ब्रैकेट को यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद चाहिए इसके नीचे आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको टेल लाइट का कनेक्शन मिल जाएगा, उसमें आपको इस वायर को जोड़ना है। ये जो तीन पिन का सॉकेट है या टेल लाइट का सॉकेट है, इसमें जो ये ब्लू कलर है जो इग्निशन ऑन करने पे लाइट जलता है ये वो वायर है और ये जो येलो वाला है ये जो हम लोग ब्रेक मारते हैं जो लाइट जलता है ये वो वायर है। तो इसमें से मैं ये ब्लू कलर के वायर को निकाल दूंगा और इसके बदले में इस वायर को यहाँ पे लगाऊंगा ताकि इग्निशन से जो इसमें करंट आएगा वो डायरेक्टली मेरे इस लाइट पर चला जाएगा और उस वक्त ये लाइट नहीं ऑन होगा और जब भी मैं ब्रेक मारूँगा तभी ये लाइट जलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप लाइट को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रात में इसकी ब्राइटनेस कितनी अच्छी है। मैं गाड़ी की चाबी ऑन करता हूँ। मैंने इसका जो कनेक्शन किया है वो डायरेक्टली इसके स्ट्रिप लाइट पे कर दिया है। जब गाड़ी का इग्निशन आप ऑन करेंगे तो उस समय आपकी जो बैकलाइट है
वो जो कंपनी फिटेड लाइट है वो नहीं जलेगी भैया, स्ट्रिप लाइट ही जलेगी। और आप जब ब्रेक प्रेस करेंगे तो उस समय जो कंपनी की लाइट है वो जलेगी, और जैसे ही ब्रेक छोड़ने पे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और जब आप गाड़ी स्टार्ट भी करते हैं उस समय भी आपकी ये स्ट्रिप लाइट जलती रहेगी। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात में इसकी ब्राइटनेस दूर से भी आपको नज़र आ जाएगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाता रहूँगा।